गाइस यहाँ देखिए, हाई प्रेशराइज वाटर पैन स्टोर के थ्रू एक वाल्व का ऑन होता है। वाल्व्स ओपन होने के बाद जो वाटर है हाई प्रेशराइज वो स्पायरल केजिंग में पहुँच जाता है। स्पायरल केजिंग में हमारे पास दो विंस होता है, एक स्टे विंस एक होता है हमारा गाइड विंस। गाइड विंस जो होता है स्टे विंस एक डायरेक्शन देता है और गाइड विंस को हम कंट्रोल कर सकते हो बाहर से भी। तो उसे हम विंस के थ्रू एक अप्रोप्रिएट एंगल पे सेट करते हैं जहाँ पे हाई प्रेशराइज वाटर रनर के पास पहुँच पाए। रनर इसके थ्रू रनर क्या होता है रोटेट करने लगता है, एक रोटेशन मोमेंट मिल जाती है। रोटेशन मोमेंट मिलने के कारण शाफ्ट रोटेट करने लगता है और शाफ्ट के थ्रू जनरेटर रोटेट करने लगता है। जनरेटर के रोटेट करने से हमें बिजली मिल जाती है और अच्छे समझते हैं हम अपने भी आगे के वीडियो में देखते हैं। हेलो गाइस, आपके अपने चैनल सुनने में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज देखिए हम पढ़ने वाले फ्रांसिस टर्बाइन, वो आपने पता ही चल गया होगा क्या था आपके, मैंने देख लिया अपने एनिमेशन में कि फ्रांसिस टर्बाइन पढ़ने वाले। ठीक है गाइस, तो आज देखिए फ्रांसिस टर्बाइन हम वर्किंग पढ़ेंगे और कंस्ट्रक्शन देखने वाले। सबसे पहले आपने अभी कंस्ट्रक्शन तो वर्किंग तो देख लिया कैसे काम करता है, अब उसमें एक एक पार्ट को अच्छे से डिफाइन कर देता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो देखिए स्पायरल केजिंग, स्पायरल केजिंग हमारा गाइस ये है जो स्पायरल केजिंग है। देखिए एक पेनस्ट्रोक से जब पानी फ्लो करते हैं हमें क्या आता है, एक स्पायरल केजिंग के थ्रू स्पायरल केजिंग में पास होता है। ठीक है, स्पायरल केजिंग में क्या होता है धीरे धीरे इसकी डायमीटर कम होती जाती है। स्पायरल ये तो आपकी कंस्ट्रक्शन की कम हो जाती है, अब उसके मेन रीजन होते हैं कम क्यों हो जाती है, कम क्यों हम रखते हैं ऐसे स्पायरल में। स्पायरल केजिंग की डायमीटर धीरे धीरे कम क्यों करते हैं, अब देखिए ध्यान सुनिए। स्पायरल केजिंग का डायमीटर हम इसलिए धीरे धीरे कम क्यों इसलिए करते हैं ताकि जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वाटर की, जो काइनेटिक एनर्जी है वाटर की वो कांस्टेंट रहे हर पॉइंट पर। जैसे यहाँ पर जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, जितनी यहाँ पर होगी, यहाँ पर हर पॉइंट पर क्या हो काइनेटिक एनर्जी सेम हो, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हर पॉइंट पे सेम हो। अब ये सेम ऐसे करने से कैसे होता है, एक हम आपको मतलब कि डेली एग्जांपल, हम डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं उसकी एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे हमें कोई गार्डनिंग करने के लिए हम क्या करते हैं टैप में पाइप लगाते हैं, उसके थ्रू हम पानी स्प्रे करते हैं पेड़ वेड़ के ऊपर पौधे अपने जितने गार्डनिंग के लिए, या हम कभी बाइक वाइक या कार वार वॉश करते हैं तब यूज़ करते हैं। तो आप ध्यान से देखिए ना कि वहाँ पर क्या करते हैं हम कि जो पानी को मतलब कि ज़्यादा मतलब कि स्प्रे करना है हमें कार के ऊपर, तो हमें स्ट्राइक उसे मतलब कि बहुत स्ट्रक से मतलब स्ट्राइक करवाना है, स्ट्रांगली स्ट्राइक करवाना है। तो हम क्या करते हैं कि पानी की जो पाइप होता है उसे हम क्या करते हैं दबा देते हैं, उसकी माउथ जो ओपन होता है वो ज़्यादा पूरा ओपन होता है उसे हम क्या करते हैं कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। तब होता है पानी की जो डिस्टेंस होती है मतलब जो पानी फ्लो करके 5-10-15 सेंटीमीटर गिरने वाला था वो क्या करता है 20-25 सेंटीमीटर या 1 मीटर तक डिस्टेंस कवर कर लेता है। तो वो क्या होता है, इससे क्या होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब फ्लो का क्या हो एरिया कम हो जाए, जब फ्लो में जब वाटर की ये क्या होती है कि जब फ्लो में एरिया कम हो जाए निकलने वाला, तो क्या होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो सिमिलरली यहाँ पर होता है जितनी एनर्जी यहाँ पर धीरे धीरे क्या हम एरिया कम करते जा रहे हैं, और यहाँ पर क्या है देखिए ये स्पायरिंग शेप है, इसका मतलब क्या होगा कि इसकी एनर्जी धीरे धीरे लॉस होगी। तो यहाँ पर जितनी होगी वहाँ पर इतना नहीं होगी, इसलिए हम इसे थोड़ा एरिया कम करते गए, तो ताकि जो इसकी मैनेज हो पाए कि काइनेटिक एनर्जी हर जगह मेंटेन हो पाए सेम रहे। ठीक है, स्पायरल केजिंग का ये मेन फंक्शन होता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो वाटर जो उसे हर पॉइंट पे कांस्टेंट रखता है। तो ये होता है स्पायरल केजिंग का मेन फंक्शन। अब देखिए स्पायरल केजिंग का मेन फंक्शन हमने सीख लिया, पता चल गया। अब आते हैं ये बना किससे होता है, स्पायरल केजिंग बना किससे होता है, मेड अप ऑफ। देखिए इसके लिए हम मीडियम सबसे पहले आता है लो हेड पता आपको, लो हेड के लिए हम क्या किस कौन सी मेटेरियल करते हैं कॉन्क्रीट यूज करते हैं, कॉन्क्रीट का बनाते हैं लो हेड के लिए। मीडियम हेड के लिए हम इसे बनाते हैं रोल्ड स्टील से, और हाई हेड के लिए बनाते हैं हम इसे कास्ट स्टील से। ठीक है, ये आपके हमारे स्पायरल केजिंग का फंक्शन समझ आ गया, स्पायरल केजिंग कैसे वर्क करता है कैसे नहीं करता। अब आते हैं गाइड मैकेनिज्म पे। गाइड मैकेनिज्म में देखिए मैंने स्पायरल केजिंग के जस्ट यहाँ पे होता है हमारा गाइड मैकेनिज्म वर्क करता है, इस पार्ट में हमारा गाइड मैकेनिज्म वर्क करता है, बस रनर के जस्ट पास में होता है वो। ठीक है, अब देखिए गाइड मैकेनिज्म में एक हमारा जो होता है गाइड व्हील होता है, जो गाइड व्हील होता है वो सर्कुलर क्या होता है सर्कुलर व्हील होता है, सर्कुलर व्हील पूरा ऐसे होता है सर्कुलर व्हील, उसे हम गाइड व्हील कहते हैं। वो क्या होता है कंट्रोलेबल होता है, उसे हम हाफ ओपन फुल ओपन, देखिए मैंने यहाँ डोनेट कर रखा हूँ, जब हाफ ओपन है तो कुछ ऐसे होता है हमारा गाइड व्हील, और फुल ओपन होता है तो ऐसे होता है। गाइड व्हील के थ्रू ही पानी हमारा फ्लो करता है। ठीक है, अब देखिए गाइड व्हील आपको समझ आ गया। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास कौन कौन सा, एक है हमारे पास स्टे वेंस, कौन कौन सा वेंस है। वेंस हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टे वेंस एक होता है हमारा गाइड वेंस। तो स्टे वेंस तो जो होता है गाइस वो फिक्स्ड होता है, और इस वेंस का काम क्या होता है कि जो पानी स्पायरल के यहाँ से स्पायरल के से पास हो रहे उसे एक पाथ दे। वेंस देखिए ऐसे लगा रहता है,
ये जो है गाइस एक वेंस है, ये वेंस है, ऐसे वेंस एक ऐसे लगा रहता है। तो वेंस क्या करता है, जो पानी ऐसे फ्लो कर रही है, ऐसे फ्लो कर रही है, तो इसे एक रास्ता देता है इधर से ऐसे रनर में जाने के लिए, रास्ता मिल जाता है रनर में जाने के लिए वेंस को, ठीक है गाइस। तो ऐसे करके पानी और ये जो पानी होती है कुछ आगे आ जाते हैं और कुछ वेंस के थ्रू रास्ता जो मिल रहा है उसे गाइड कर, वेंस क्या करता है गाइड करता है वाटर को हाउ टू फ्लो, आपको कैसे फ्लो करना है। तो वो क्या करता है, उसके रास्ता मिलने के बाद वो आगे बढ़ जाता है। अब देखिए स्टे वेंस तो स्टेशनरी होता है, एक फिक्स्ड होता है, एक फिक्स पोजीशन में, उसके आगे स्टे वेंस के जस्ट आगे हमारा लगा होता है फ्रांसिस टर्बाइन के अंदर हमारा गाइड वेंस लगा होता है। गाइड वेंस देखिए यहाँ पर मैंने दिखा रखा हूँ, गाइड वेंस एक पाइवेटेड लगा रहता है जो गाइड व्हील के ऊपर रहता है, ठीक है, पाइवेटेड होता है। अब जो गाइड वेंस रहता है गाइस उसे हम क्या करते हैं बाहर आउटसाइड से, टर्बाइन के अंदर से नहीं आउटसाइड से भी कंट्रोल कर सकते हैं उसे। तो हमें जो पोजीशन फिक्स्ड करना होता है, मतलब हमें रनर पे ऐसे स्टैक करवाना है ऐसे इतनी, मतलब कि वाटर में जितनी जैसे मिले, हम अपने अपने नीड के हिसाब से इस वेंस को हम उसके एक अप्रोप्रिएट एंगल पे सेट करते हैं। अप्रोप्रिएट एंगल पे इसलिए सेट करते हैं ताकि जो हमारा टर्बाइंस हो, जो टर्बाइंस की वेंस है उस पर ज़्यादा ज़्यादा फोर्स एग्जर्ट हो, ज़्यादा फोर्स एग्जर्ट होंगे तो ज़्यादा रोटेशन मोमेंट मिलेंगी, और रोटेशन मोमेंट मिलेगी तो हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी जब जनरेटर रोटेट करेगा ज़्यादा, तो ठीक है। इसलिए हमें इसे वेंस जो गाइड वेंस होता है वो मैनुअली कंट्रोल हो सकता है, ऑटोमेटिकली कंट्रोल करते हैं, मतलब ये जो होता है पैवोट, मतलब ये रोटेशन, ये स्टेशन नहीं होता, इसे हम कंट्रोल करते हैं अपने नीड के हिसाब से, अपने एंगल जो हमें एंगल देना चाहिए, ठीक है। इसे एंगल देने से क्या होता है कि अब देखिए टर्बाइन जो होता है, अब हमारे पास जो अब फ्रांसिस टर्बाइन का जो रनर है, अब तो ये आपको गाइड वेंस समझ आ गया क्या करता है क्या निकाम, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट रनर, अब रनर की बात करते हैं। अब रनर जो होता है फ्रांसिस टर्बाइन का, वो आपको इमेज पर मिल गया होगा, रनर जो होता है गाइस वो बहुत बहुत, मतलब कि बहुत ही डिफ़िकल्ट डिज़ाइन होता है इस फ्रांसिस टर्बाइन का जो रनर होता है, बहुत डिफ़िकल्टी डिज़ाइन किया गया है, मतलब उस रनर को जो ऐसे ऐसे बनाया गया है कि उसे पानी जाते ही पानी जाए तो उसमें एक फोर्स एग्जर्ट हो, फोर्स एग्जर्ट होने के कारण क्या होगा वो अपनी रोटेशन में आ जाएगी, रोटेशन मोमेंट मिलेगी तो वो रोटेट करने लगेगा, ठीक है। तो ऐसी होती है हमारी रनर, रनर के अंदर भी वेंस लगा होता है, जो वेंस रनर के ऊपर, जो रनर के अंदर जो वेंस होता है वो एक रोटे उसी पे जाके पानी हमारा गिरता है, ठीक है। तो ये होती है हमारी वे जो रनर होती है वो। तो रनर देखिए किस चीज़ से बना होता है मैं बता देता हूँ, रनर जो होता है गाइस हमारा स्टेनलेस स्टील से बना होता है, और गाइड गाइड मैकेनिज्म जो हमारा वेंस है, ये जो वेंस हमारा बना होता है कास्ट स्टील से, दोनों वेंस गाइस स्टे वेंस और गाइड वेंस दोनों हमारा कास्ट स्टील से बना होता है। अब आते हैं नेक्स्ट जो हमारा ड्राफ्ट ट्यूब, ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है, जब हमारा वेंस, मैंने बोला रनर के अंदर ही वेंस होता है, रनर के अंदर वेंस से काम होकर रोटेशन मिल गई तो पानी को जो होता है बिल्कुल उसके पास एनर्जी नहीं बचती, क्योंकि वो पूरा एनर्जी किस में लगा देता है वेंस को रोटेट करवाना, मतलब कि रनर को रोटेट करवाने में, रनर को रोटेट करवाने में जो पानी होती है अपनी पूरी एनर्जी दे देता है तो उसके पास एनर्जी बचती नहीं है। तो ड्राफ्ट ट्यूब क्या करता है उसे पानी को, अब देखिए इसमें क्या होता है, ये मिक्स फ्लो टर्बाइन है, फ्रांसिस टर्बाइन जो है मिक्स फ्लो टर्बाइन है, और ये लो मीडियम मीडियम हाइट के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, जब इसमें हमें जो ये इसमें जो लगा हुआ है यहाँ वेंस उससे पानी बाहर, अब बाहर निकलना है तो पानी जो होता है उसमें ना एक्सियल डायरेक्शन में निकलता है, रेडियल डायरेक्शन में जाता है और एक्सियल डायरेक्शन में निकलता है, इसलिए हम इसे मिक्स फ्लो कहते हैं, रेडियल डायरेक्शन में गया और एक्सियल डायरेक्शन में निकलेगा। तो एक्सियल डायरेक्शन में जब निकलता है पानी तो ऐसे जैसे या तो बोर्ड के अंदर की तरफ निकलेगा या बाहर की तरफ निकलेगा, ठीक है। तो बाहर की तरफ निकलेगा तो हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब लगाते हैं, और उसमें मैंने अभी कहा कि उसके एनर्जी कुछ नहीं होता वाटर के पास, तो ड्राफ्ट ट्यूब को क्या करते हैं हम डायमीटर धीरे धीरे, ड्राफ्ट ट्यूब जो वहाँ तक कुछ ऐसे होता है डायमीटर इसका धीरे धीरे बढ़ता जाता है ड्राफ्ट ट्यूब का। अब देखिए धीरे धीरे डायमीटर क्या है बढ़ता गया, इससे क्या होता है कि पानी की जितनी भी मतलब एनर्जी लॉस हो रखी है, पानी में एनर्जी है नहीं तो उसे फ्लो करने में कोई प्रॉब्लम ना हो टेल लेस तक जाने में, ठीक है, और टेल लेस तक जाने में उसे कोई प्रॉब्लम ना हो हमारे पानी को। तो ये होती है हमारे ड्राफ्ट ट्यूब में, तो ड्राफ्ट ट्यूब जो हमारे मेनली होते हैं हम कास्ट आयरन से बनाते हैं, कास्ट आयरन या कास्ट स्टील से बनाते हैं ड्राफ्ट ट्यूब को, ठीक है। कास्ट आयरन या कास्ट आयरन या कास्ट स्टील से बनाते हैं हम ड्राफ्ट ट्यूब अपना। तो गाइस ये था हमारा फ्रांसिस टर्बाइन, तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कैपलिन टर्बाइन। तो और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना ताकि नए नए वीडियो के अपडेट्स आपके पास आते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। गाइस जय हिंद जय भारत।